हेलो फ्रेंड्स, आज आपके पास सुबह से फोन आ रहा था। तो एक्चुअली हम लोग आज कोई और सीरीज बनाने वाले थे, जैसे मैंने बोला था कि हम लोग एक सीरीज बना रहे हैं जिसमें हम लोग शायद कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आपको बतानी है और जिसके लिए आपने फोन भी किया, हमें कई बच्चों का फोन आया कि ये जो कजान फेडरल रशिया की, क्या ये 5 साल की हो गई है? ऐसा मार्केट में न्यूज कल से आना शुरू हुई है। तो ठीक है, आपको न्यूज एकदम सही मिली है। कजान फेडरल इस साल से 5 साल की भी हो रही है और 6 साल की भी है, लेकिन ये दो तरह से कैसे है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये कजान फेडरल में क्या है कि एज पर रशियन कोरिकुलम आप एक साल में मैक्सिमम 75 क्रेडिट पॉइंट्स कवर कर सकते हैं, 75 क्रेडिट पॉइंट्स मैक्सिमम कर सकते हैं। अभी तक रशिया की सारी यूनिवर्सिटी 60 क्रेडिट पॉइंट के हिसाब से पढ़ाती है, जिसमें लगता है 6 साल, आपको 360 पॉइंट चाहिए टोटल। तो कजान फेडरल ने क्या किया है कि एज पर रूल ओनली 72 क्रेडिट पॉइंट्स को इंट्रोड्यूस किया है और 72 क्रेडिट पॉइंट्स के हिसाब से ये अपना 360 कर लेंगे 5 साल में। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताने वाला है, पहली बात है कि कजान फेडरल में जो एडमिशन होगा वो उसका एंट्रेंस एग्जाम इंडिया में होगा, वो आपको देना, उसके सेंटर्स आपको बता दिए जाएंगे, वहां जाके आपको देना। और इसमें अभी फिलहाल सिर्फ 30 बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा, बातें चल रही, हो सकता है 70 सीट कर दी जाए टोटल 5 साल वाले में, बाकी जितने बच्चे बचेंगे वो सब 6 साल वाले में जाएंगे। ये कोई सरप्राइज गिफ्ट नहीं होगा, आपको पहले से बता दिया जाएगा एज पर योर रैंक, एज पर योर परफॉर्मेंस। और हो सकता है कि अगर आपके नंबर्स मान ली 1 से आए, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा, तो फिर आपका 10+2 का मार्क्स देखा जाएगा और जिसका हाई होगा उसको ये ऑफर दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है कि जो आपकी फीस है वो सेम रहेगी, मतलब अगर आपका खर्चा, हम आपको ऐसे समझिए कि अगर 6 साल का आपका ट्यूशन फीस का खर्चा 20 लाख आ रहा था, तो आपका 5 साल का भी खर्चा 20 ही लाख रहेगा, मतलब फीस कम नहीं होगी, फीस उतनी लगेगी। अगर पहले साल 370 लगती थी तो 4,25,000 लगेगी, टोटल अमाउंट उतना ही रहेगा, सिर्फ 1 साल आपका कम हो जाएगा, यानी 1 साल का रहना खाना हॉस्टल का खर्चा आपका कम होगा, नो डाउट, बट आपका पैकेज सेम रहेगा। तो इस चीज के बारे में आप मान के चलिए। और कजान फेडरल के बारे में अगर ज्यादा आप नहीं जान रहे तो कजान स्टेट से कंफ्यूज मत करिएगा, कजान फेडरल ही वही यूनिवर्सिटी जिसकी क्यूएस रैंकिंग 370 है। तो ये एक सबसे हाईली रैंक यूनिवर्सिटी में से एक आती है, सबसे रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में से है रशिया की, और ये एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। और हम आप सबको एक अच्छी यूनिवर्सिटी की, जैसे आप लोग पूछते रहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, नो डाउट कजान फेडरल को आप कर सकते हैं। इट इज इंग्लिश मीडियम, इसमें आप किसी के कहने पे मजेगा कि इस बाइलिंगुअल, कि कुछ लोग रूमर्स फैलाते हैं अपने यूट्यूब पे बना के, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, रशिया जाएंगे तो रशियन सीखनी है, पेशेंट से कनेक्ट करना है तो रशियन बोलना आना चाहिए, और रशिया के आपके क्लासेस कुछ होने ही हैं, वो तो सभी जगह एक सा है, सारी CIS कंट्री में एक सा ही रहेगा। और मोटा मोटा बाकी हमने जो आपको बता दिया, तो स्टेट अलग है कजान स्टेट और कजान फेडरल में कभी कंफ्यूज नहीं होगा। जो QS रैंकिंग बताई जाती है 370 है, वर्ल्ड में सबसे ऑथेंटिक संस्था QS, वो कजान फेडरल की है, स्टेट की नहीं है। ठीक है, थैंक यू।